मॉनसून सत्र के चौथे दिन पर कहीं यहाँ पर मंदिर वहीं बनाएं किनारे लग रहे हैं, तो कहीं पर मंदिर खुलवाएंगे किनारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ विपक्ष के विधायक हैं, तो सर ये जो आमरण अनशन है वो कब तक चलेगा? ये जब तक देवघर का बाबा मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर खुलेगा नहीं, तब तक मैं चाहे विधानसभा सत्र का समाप्ति हो जाए, फिर भी मैं जब तक नहीं खुलेगा तब तक इसी जगह आमरण अनशन पर बैठा रहूँगा। और मैं सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ, यहाँ के जनप्रिय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर भी सनातन धर्म वाली सोच है, एक धर्म को आप बढ़ावा दे रहे हैं, नमाज अदा करने के लिए ये कर रहे हैं, और दूसरे तरफ मंदिर बंद करवा के देवघर के लोगों को रोजी रोटी को छीन रहे हैं, वहाँ के लोग पलायन को मजबूर हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा का घेराव होने जा रहा है वही मंदिर को लेकर, और यहाँ जो कमरा अलॉट किया गया है नमाज के लिए, इसलिए मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से कि आप सबकी बात को देखें, सबके लिए आप मुख्यमंत्री हैं, सभी धर्मों के लिए मुख्यमंत्री हैं, और देवघर जो बाबा वैद्यनाथ का मंदिर है सिर्फ देवघर के लिए नहीं, हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है। ये बैद्यनाथ धाम वाला जो मुद्दा उठा है, तो क्या ये नमाज का जो ये कमरा है अलॉट हुआ उसके कारण ये उठा है? नहीं नहीं, आप तहकीकात कर सकते हैं, हमने करीब एक सप्ताह पहले ही सोशल मीडिया, आप निकालिए नारायण दास आईडी, मैंने 7-8 दिन पहले ही इन चीज़ों को आगाह किया था कि यदि मंदिर नहीं खुलता है तो मैं परिसर में आमरण अनशन करूंगा। तो क्या लगता है कि आमरण अनशन आप लोगों ने किया है, ये सफल हो पाएगा? माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जब सारे चीज कोविड का नियम का फॉलो करते हुए खुल रहा है तो मंदिर क्यों नहीं, मंदिर आखिर क्यों नहीं खुल रहा है? और धर्म के लिए इनके पास आस्था है, हिंदू धर्म के लिए नहीं, बाबा नगरी के लिए नहीं। जी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो महिलाओं का अगर खास करके हम मुद्दा ले यहाँ पर, जो ट्रैफिकिंग जैसे जो मामले लड़कियों को लेकर के वो बहुत हो रहे हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि नमाज जो मुद्दा है उसको लेकर के यहाँ बैठना कितना सही है? देखिए हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारे लिए सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज ट्रैफिकिंग की बात हो, नमाज अदा करने की लिए कक्ष आवंटित होने की बात हो, नियोजन नीति रद्द करने की बात हो, हमारे क्षेत्र में जो बांझेदी पावर प्लांट है उसमें खुले गाड़ियों में ऐश की धुलाई हो रही है उसकी बात हो, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलने की बात हो, यहाँ किसानों के लिए महिलाओं के हित की रक्षा नहीं हो पा रही है, हमारे लिए सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इतने कम समय में हम सारे मुद्दे को नहीं ले आ पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को विरोध प्रदर्शन के तहत ये सरकार को नींद से जगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन मुद्दों पर सरकार ध्यान दे और यहाँ पर विधि व्यवस्था को सही करे। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो और मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े हुए, चाहे वो उत्पीड़न की और ट्रैफिक की जो हमने बात की, ये जो नमाज का मुद्दा है उससे ऊपर उठ के कहने लगे हैं? देखिए मुद्दा कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम लोग क्षेत्र में या झारखंड में जो भी समस्याएं हैं उसे रखने के लिए यहाँ विधानसभा में आए। कहीं ना कहीं आप एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने आपको यहाँ चुना, वो चाहते हैं कि उनके मुद्दे यहाँ पर सही तरीके से रखे जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कारण उसमें रुकावट पड़ रही है। ये सारे मुद्दे जनता के हित हैं जिसे हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो नमाज का मुद्दा उससे रखने से जनता को आपको लगता है क्या फायदा, क्या उस पर असर पड़ने वाला है? क्या हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, वो सिख हैं, वो बौद्ध हैं, वो जैन हैं, ऐसे करके हमको बटना चाहिए? हम सभी प्रेम पूर्वक एक जगह रहते हैं, सारे धर्मों को मानने वाले एक साथ रहते हैं। कहीं जो विधायक विपक्ष के वो इस बात को टाल रहे हैं और नमाज का मुद्दा है जो वो सबसे ऊपर उठ चुका है। हमने दूसरे मुद्दों पर भी नीरा यादव जी से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला मुद्दा है वही शायद यहाँ पर नमाज का मुद्दा सबसे पहले उठना चाहिए, जो वो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें हो या फिर बाल उत्पीड़न या फिर रेप जैसी जो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी हमें डर है कि इस नमाज के लिए जो रूम अलॉट किया गया है उसके नीचे ये मुद्दे कहीं दब के ना रह जाए। कैमरामैन बैजनाथ के साथ मैं प्रभा शर्मा, समाचार प्लस रांची। खबर वही जो हम